इतनी शिद्दत से हम ऊपर आए स्टैंड वगैरह सब ये लेके, ट्राइपॉड लेकर, क्या करने हैं? रील्स बनाने। चलो स्टार्ट करते हैं रील्स बनाना। सो हे गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड आज है 23rd मई। हाँ, 23rd मई है। एंड आज मैडम जी जा रही हैं अपने मायके, अपने वहाँ पे घर पे जा रही हैं। एंड इस बार शादी और पहली बार शायद इतने लंबे टाइम के लिए जा रही है। सो उसको कैसा लग रहा है वो तो मैं बाद में बताता हूँ आपको, बट बाकी घर वालों को कैसा लग रहा है वो जानते हैं। तो फिर कैसा लग रहा है आज आपकी बहू 10 दिन के लिए जा रही है मायके? अच्छा, और आप बताइए कैसा लग रहा है? क्या चीज जा रही है वो? सही नहीं लग रहा। सही नहीं लग रहा, कह रही है रोज चक्कर लगा दूंगी, ज्यादा से ज्यादा 3 दिन। अभी बाहर आते पूछते रोज चक्कर लगाएगी क्या करेगी? कैसा लग रहा है आपकी भाभी जी जा रही है 10 दिन के लिए मायके? रोना नहीं है। अच्छा नहीं लग रहा, तो आप क्या कहना चाहेंगी? मैं कहना चाहती हूँ कि ये जो 1 हफ्ते की प्रक्रिया भाभी ने रखी है वो थोड़ी कम कर, वैसे उसने 10 दिन की रखी है, 1 हफ्ते की नहीं। तो वो 1 हफ्ते की हो गई है, तो मैं चाहती हूँ 2 दिन में तब्दील होके वो आ जाए। अगर मिल गया घर जाने के बारे में बहुत सारी रूमर्स फैले हुए अंदर, आओ थोड़ी क्लैरिटी ले आपसे भी। बाकी तैयार हो ले यार, मैं नहाया नहीं, तुझे तैयार होने कहाँ जाना? तो सुन तो ले, सबके रूम में सुन ले। पापा कह रहे हैं कि तूने बोला कि तू रोज आती रहेगी मिलने। वाह, कितना बढ़िया मजाक करा रहे तुमने। और मम्मी कह रही है कि तूने 10 दिन की जगह 1 हफ्ते की डील कर दिया। मैं बताया था ना, देखो सबके अलग अलग विचार है इस बारे में। और महक तो कह रही है कि आपकी प्रक्रिया अगर हफ्ते से 2 दिन की हो जाए मेरी याद है तो आ जाना। वो तो मिलने आई जाऊंगी ना। सो कैसा लग रहा है 10 दिन के लिए शादी होते हैं? हफ्ता 10 दिन जो भी है यार, हफ्ते के लिए। तो कैसा, चल हफ्ता का भी मान के चलोगे तो फिर कैसा लग, पहली बार वो भी पहली बार जा शादी में? ये पराया पराया है, सुन रही है? वो तो अपना ही है ना। यू आर रेडी विद द ट्विनिंग? ट्विनिंग ऐसे है नहीं, बट थोड़ी सी ट्विनिंग वाला लग रहा मामला। सो अभी फिलहाल मासी के घर जाने के लिए रेडी है, देन मां से वापस आने के बाद ये देखो इस लड़की को देखो, पूरी तैयारी करके बैठी है, बैग वैग पैक करके रखा हुआ। तो जैसे ही वहां से आऊंगी सीधा भगलूंगी, शर्म ही नहीं है पति को ऐसे अकेला छोड़ के जा रहे। मासी के घर से आ गए हैं, एंड अब मैडम जी फिर से दोबारा रेडी हो रही हैं अपने घर जाने के, इनको शर्म भी नहीं आ रही। बिल्कुल भी नहीं आ रही। इनका तो पता नहीं, मैं बहुत मिस करने वाला हूँ। तो इसको मैं घर छोड़ने आया था, एंड ये बच्चा यहाँ पे कह रहा है कि व्लॉग बनाओ। कह दिया क्या? कह दिया वो? मैं कहा ओके भाई, कह दिया व्लॉग बनाओ। अब बोलो व्लॉग में कुछ आवाज कम करो, उसके बाद कम करो, बोलो क्या बोलना है व्लॉग में। थोड़ा जोर से बोलो। आज हम करने वाले हैं आज हम बताने वाले रूम का सेटअप पूरा दिखाने का। रूम का सेटअप बुआ हाँ अरे बुआ को छोड़ने आए हैं, बुआ आपके साथ रहेगी 1 हफ्ता, ठीक है? चलो बाय। चलते हैं हम अब उसको छोड़ के। आज दूसरा दिन हो गया,
पहुंचे हो घर के हुए। मम्मी खाना लेकर आई है, तो कैसा लग रहा है? बहू नहीं है आपकी घर पे, 2 दिन हो गए हैं। खाली खाली सा तो लग रहा है, कुछ खाली खाली सा लग रहा है। मैं यही सोच रही थी कि पहले भी हम ये 4 होते थे तब मन लग जाता था, अब 5 होने के बाद 2 महीने हो चुके हैं और अब थोड़ा सा खालीपन लग रहा है। सो मम्मी को खालीपन लग रहा है, वीडियो देख रही है तो फटाफट से आ जा। खालीपन लग रहा है काफी ज्यादा, सोच मम्मी को लग रहा है, मुझे कितना लग रहा होगा। खाना खा के फिर मिलता हूँ। पिक्चर खत्म हो गया, बहू से बात बात कर ली, चाय वाय पिला दो यार। एक पिक्चर चलती है शाम को 5:30 बजते हैं, फिर वही क्या करें। यार आपने नहीं बनानी, मैं ही बना लेता हूँ यार। चलो पहले नहा लेता हूँ यार, नहाए मेरी आज सुबह से। और ये मैडम यहाँ पे देखो, शूट नहीं खत्म हो रहा ये भाई साहब, पिछले कम से कम 3 घंटे से। ये देखिए यहाँ पे पूरा मेकअप वेकअप सब पड़ा है, एक ट्राइपॉड यहाँ लगा हुआ है, पूरा शूट चल रहा है यार, पूरा शूट चल रहा है। ऐसे ही थोड़ी, बहुत मेहनत लगती है, पिछले 3 घंटों से यही चल रहा है। अगर आपको इसका मेकअप ट्यूटोरियल देखना हो तो इसके चैनल पे चले जाना, नीचे लिंक डाल दू, नहीं लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा चैनल का। उस पे चले जाना और देख लेना जिसको देखना हो यार मेकअप ट्यूटोरियल। मैंने सोचा था मैं नहा के चाय बनाता हूँ, बट एज यूजुअल पापा चाय बनाने लग गए। चलो कोई नहीं, चलता है इतना तो हम पी लेंगे। दे दो यार, बना लो कुछ, बना ले। ओट्स खाने का मन नहीं है। मैग कुछ बनाएगी, कल मैंने मैगी बनाई थी, आज कुछ मैग बनाएगी कुछ फिर। कल मैंने मैगी बनाई थी, आज मैग बनाएगी कुछ बढ़िया सा, मजा आ जाएगा। बना दो यार कुछ, दे दो यार कुछ खाने को। हेलो लिसन, लिसन टू मी, हेलो रोटी रोटी नहीं खानी अभी, क्या बना लूं? हुआ हुआ नहीं आता, सेंटर फ्रेश से पेट भरेगा पागल है क्या? तो ये है कलाकंद, जो कि काला नहीं होता पर इसका नाम फिर भी कलाकंद है। कलाकंद ही होता ना ये कलाकंद ही होता है ना, हाँ यही होता है। तो ये काला नहीं होता, तो फिर भी काला कंद नाम है इसका, पता नहीं क्यों। किसी को पता तो बता देना कमेंट में। गरम नहीं करके आया इसको, हल्का सा वो करें कि सॉफ्ट हो जाए बस। मैं करता है ताकि थोड़ा सॉफ्ट हो जाए, फ्रिज में पड़ा था ना। चलो मैं करता हूँ अपना कलाकंद एंजॉय, कलाकंद, हाँ मैं अपना कलाकंद एंजॉय करता हूँ। तो इस ब्लॉग को यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में। छोटा सा ही बना होगा ये ब्लॉग भी, नेक्स्ट ब्लॉग होपफुली कुछ बड़ा बने और कुछ इंटरेस्टिंग हो, क्योंकि अभी तो ऐसे ही चल रहा है। घर में एक प्राणी कम है थोड़ा तो, और मेरा मन नहीं कर रहा था यार, याद आ रही है मुझे। अच्छा मेरा ब्लॉग करने का मन नहीं कर रहा था, अभी तो उसको छोड़े हुए कब गई है वो, 2 दिन हो गए। आज ब्लॉग दोबारा स्टार्ट करा है मैंने, तो यार 2 दिन से ब्लॉग नहीं कर पा रहा। कुछ है हमारे तो वैल्यू की 27 साल से हमारे साथ रह रहा, तो वो बाबा बाबा ये डालूंगा ही नहीं, डालना आपको डाल अभी। तो चलो इस लोग का यही खत्म करते हैं, ये तो चलता रहेगा। मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए सिया बाय।